गुड आफ्टरनून, नमस्कार। मैं संदीप लोयल आप सभी का लोयल क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और हरियाणा जीके के कुछ बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ आप लोगों के बीच हूं। और सबसे पहला क्वेश्चन बताइएगा हरियाणा जीके का कि पंजाब की सीमाओं का पुनर्गठन और पंजाब से अम्बाड़ा डिवीजन का पृथककरण में सुझाया गया, ब्लैंक है, डैश दिया होगा, किस में सुझाया गया था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1919, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1934 और चौथे गोलमेज सम्मेलन 1947। देखिए, यहाँ से सिर्फ अगर आप लोगों को गोलमेज सम्मेलन की एग्जैक्ट डेट पता है, साल भी अगर पता है, तो आप लोग बहुत आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं गोलमेज सम्मेलन से। यहाँ से गोलमेज सम्मेलन से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन, अगर आप लोगों ने प्रीवियस पेपरों में देखा है, तो सभी गोलमेज सम्मेलन पे क्वेश्चन अभी तक पूछा जा चुका है। अगर हम लोग प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो बताइए प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में कब किया गया था? वर्ष 1930 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? 1931 में। और तीसरी गोलमेज सम्मेलन जो हुई थी उसका आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो 1932 में। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भाग लिया था। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? तो महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ये भी पूछ लिया है। तो यहाँ पे एक ही ऐसे साल बन रहा है जिसमें गोलमेज सम्मेलन के बारे में सही बताया गया है, तो 1931 बिल्कुल ऑप्शन यही SSSC ने आंसर बताया है। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में सुझाया गया था पंजाब की सीमाओं का पुनर्गठन और पंजाब से अम्बाड़ा डिवीजन का पृथककरण यानी अलग के बारे में सुझाया गया था। किस गोलमेज सम्मेलन में दोस्तों? द्वितीय यानी दूसरी गोलमेज सम्मेलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हैं चलते हैं। और अगला है पानीपत का तीसरा युद्ध अफगान योद्धा अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच लड़ा गया था? तो अभी तक पानीपत की तीनों लड़ाइयां आप लोगों को पता ही होगी। पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, किसके बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी। दूसरी 1556 में हुई थी और तीसरी लड़ाई पानीपत के 1761 में हुई थी। हम ऐसा ही पढ़ते आए हैं कि पानीपत का तीसरा युद्ध जो है मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के। लेकिन यहाँ पे नाम आपको बताना है बाजीराव, सदाशिवराव भाऊ, विश्वनाथ राव और विक्रमादित्य। तो दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर? सदाशिवराव भाऊ, ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा सही आंसर। पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और सदाशिवराव भाऊ के बीच लड़ा गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है ये दोस्तों। अलग अलग पेपरों में इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा। एक पेपर में खालिस्तान देख के पूछा गया था कि ये युद्ध अफगान योद्धा अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव राव भाऊ के बीच लड़ा गया था, तो वो वहाँ पे ऑप्शन थे पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध या फिर तराइन की लड़ाई। तो दोस्तों आप लोगों को पहले हम यही पढ़ते हैं अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच था। मराठों का नाम आपको ध्यान रखना है कि किस मराठा ने ये युद्ध लड़ा था, तो सदाशिवराव भाऊ के बीच लड़ा गया था पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है हरियाणा के पानीपत में आयोजित असहयोग आंदोलन की पहली बैठक का नेतृत्व किसने किया था? जितनी भी ये प्रथम चीज होती है, पहली बैठक प्रथम चीज जो होती है, उन पे सभी एग्जाम के लिए क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जैसे अगर हम लोगों ने देखा 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था, तो अम्बाड़ा में इसका विरोध प्रदर्शन दर्ज किया गया था। कहाँ पे? अम्बाड़ा में। दूसरा हुआ था रोलेट एक्ट के संबंध में, रोलेट एक्ट 1919 की बात है, तो रोलेट एक्ट के विरोध में सबसे पहले अगर हम पूछे हमसे क्वेश्चन कि सबसे पहले हरियाणा में कहाँ पे विरोध किया गया था रोलेट एक्ट का, तो इसका विरोध भी सबसे पहले अम्बाड़ा में किया गया था। कहाँ पे किया गया था दोस्तों? अम्बाड़ा में किया गया था। महात्मा गांधी की हरियाणा में गिरफ्तारी भी रोलेट एक्ट के चलते ही हुई थी। किस के विरोध प्रदर्शन के लिए महात्मा गांधी हरियाणा आ रहे थे? तो रोलेट एक्ट के विरोध प्रदर्शन के लिए महात्मा गांधी हरियाणा आ रहे थे और पलवल रेलवे स्टेशन पर इनकी गिरफ्तारी हुई थी। तो कई सारी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे असहयोग आंदोलन संबंधी पूछा है। पहली बात, असहयोग आंदोलन संबंधी बैठक ये कहाँ पे हुई थी? पानीपत में। और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी यानी किसके नेतृत्व में हुई थी? चौधरी लालचंद, लाला लाजपत राय और बाल मुकुंद गुप्त और नेकीराम शर्मा। तो दोस्तों लाला लाजपत राय इसका सही आंसर हो जाएगा, लाला लाजपत राय यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा? सही आंसर होगा। और दोस्तों आप लोगों को पता है लाला लाजपत राय पे अनगिनत जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। एक मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ कि कांग्रेस के अधिवेशन जिसकी स्थापना 1885 में की गई थी, कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा, इस कांग्रेस का चौथा अधिवेशन फोर्थ सेशन या अधिवेशन जो है वो कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद में। चौथा अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद में। और इस अधिवेशन में लाला लाजपत राय को किस नाम से भी जाना जाता है? पंजाब केसरी। हम लिखेंगे कि चौथे अधिवेशन में, कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में पंजाब केसरी लाला लाजपत राय ने कहाँ से प्रतिनिधित्व किया था?
तो ये हिसार से, यानी इन्होंने हिसार को जो है अपनी राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनाया था। डिट्टो क्वेश्चन आप लोगों को पता है, एचएसएससी कई बार पूछ चुका है कि लाला लाजपत राय ने सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र किसे बनाया था, हिसार। और लाल लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता है, पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में, तो कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में। कहाँ पे हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। तो कांग्रेस के अधिवेशन पे अगर क्वेश्चन आप लोगों से हरियाणा से रिलेटेड पूछा जाए तो आप लोगों को पता हो, जैसे कि 1885 बताया स्थापना से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे, तो 72 जो प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था, इसमें अम्बाड़ा से लाला मुरलीधर भी थे, ये भी आप ध्यान रखेंगे, लाला मुरलीधर, लाला मुरलीधर। तो लाला मुरलीधर ने अम्बाड़ा से नेतृत्व किया था, यानी अम्बाड़ा से प्रतिनिधित्व बनकर गए थे लाला मुरलीधर 1885 में। उन 72 प्रतिनिधियों में लाला मुरलीधर भी शामिल थे। और अगर दूसरे अधिवेशन की, जो कि 1886 में हुआ था, दूसरा अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों, 1886 में हुआ था, इसमें झज्जर से, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, झज्जर से पंडित दीनदयाल शर्मा, झज्जर से कौन, पंडित दीनदयाल शर्मा। और रोहतक से बाबू बाल मुकुंद गुप्त, कहाँ से, और रोहतक से बाबू बाल मुकुंद गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त। याद रखेंगे आप लोग 1886 के कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में। पहले 8 अधिवेशन आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं, बक मई बक नई, यानी बम्बई कलकत्ता। दूसरा अधिवेशन कहाँ पे हुआ था दोस्तों, कलकत्ता में हुआ था। तो इसमें झज्जर से पंडित दीनदयाल शर्मा, रोहतक से बाबू बाल मुकुंद गुप्त, और 1885 के जो 72 प्रतिनिधि थे उसमें अम्बाड़ा से लाला मुरलीधर ने प्रतिनिधित्व किया था। इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। लाला मुरलीधर मतलब ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से जिन्हें जाना जाता था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, नजीबुद्दौला ने किस नदी के निकट एक युद्ध में सूरजमल को हराया था। ये क्वेश्चन अलग अलग तरीकों से जो एग्जाम हाल ही में हुए उनमें कई बार पूछा जा चुका है। नजीबुद्दौला ने किस को हराया, सूरजमल को हराया। किस नदी के किनारे हराया दोस्तों, गंगा, घाघरा और हिंडन या फिर रीवा। तो हिंडन नदी के किनारे, किस नदी के किनारे दोस्तों, हिंडन नदी के किनारे। नजीबुद्दौला सूरजमल का युद्ध हिंडन नदी के किनारे, आप लोगों को याद रखना है, कई बार पेपरों में ये पूछ लिया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा में जींद जिले के नरवाना तहसील में गुरुद्वारा धमतान साहिब किसकी याद में बनाया गया। गुरुद्वारा धमतान साहिब, पहली बात तो ये पूछा जाता है, तो जिला ध्यान रखेंगे जींद जिले में, कहाँ पे है, नरवाना में है गुरुद्वारा धमतान साहिब। तो किसकी याद में बनवाया गया था दोस्तों, गुरु तेग बहादुर। किसकी याद में, गुरु तेग बहादुर की याद में। फटाफट से कमेंट करिए और बताइए, गुरु तेग बहादुर सिखों के कौन से गुरु हुए थे, सिखों के कौन से गुरु हुए थे, गुरु तेग बहादुर। जींद जिले के नरवाना तहसील में गुरुद्वारा धमतान साहिब गुरु तेग बहादुर की याद में बनवाया गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12 जैन मंदिर, देखिए नया ही मान लीजिए, बहुत बच्चों ने पहली बार इस क्वेश्चन को देखा होगा। 12 जैन मंदिर हरियाणा के किस जिले में है, पानीपत में, फरीदाबाद में, सोनीपत में या फिर कैथल में। तो बताइए कहाँ पे है 12 जैन मंदिर। तो ये दोस्तों सोनीपत जिले का है, सोनीपत जिले में। HSSC ने इसको सही आंसर बताया है, सोनीपत जिले का 12 जैन मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की अभयारण्य अक्षमता की पहचान किसने की थी। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान एक अभयारण्य है, इसकी अक्षमता की पहचान किसने करी थी, सलीम अली ने, पीटर जैक्सन ने, स्टीव इरविन ने, या इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर। तो दोस्तों यहाँ पे कन्फ्यूज होना नहीं है, सलीम अली का भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि सुल्तानपुर पक्षी विहार की स्थापना जो 1971 में, तो ये सलीम अली की इसमें इंपॉर्टेंट रोल था। जबकि पीटर जैक्सन, इस क्वेश्चन का सही आंसर है पीटर जैक्सन, प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण, शॉर्ट में लिख देते हैं IUCN। तो IUCN के सदस्य थे पीटर जैक्सन ने, जिन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ इस संबंध में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। सबसे पहले तभी हम कह सकते हैं कि 2 अप्रैल 1971 को सुल्तानपुर झील को जो है पक्षी अभयारण्य का दर्जा दिया गया था। तो पीटर जैक्सन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो आपको इसको अच्छे से सेट रखना है अपने दिमाग में कि किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। और ये बहुत बेसिक बात है कि ये कहाँ पे है, ये आप लोगों को पता होगा। तो ये कहाँ है दोस्तों, तो ये गुरुग्राम में है, गुड़गांव जिले में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, किस नदी का स्रोत शिवालिक की पहाड़ियों से नहीं है। तो बताइए किस नदी का नहीं है, अभी घग्गर का, मारकंडा का, दोहन का या फिर टांगरी का। तो बताइए क्या होगा सही आंसर। तो दोस्तों दोहन नदी सही आंसर हो जाएगा, जो अरावली पहाड़ियों से है। तो आप लोग इसको समझ सकते हैं, दक्षिणी अपवाह तंत्र से है इसका विस्तार। तो दोहन नदी, दोहन नदी पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे गए वो मैं आप लोगों को बताऊं कि हरियाणा में 50 किलोमीटर दूरी तक कौन सी नदी प्रवाहित होती है।
हरियाणा में 50 किलोमीटर तक, एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया था, हरियाणा में 50 किलोमीटर दूरी तक कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो वो दोहन नदी है। कौन सी नदी प्रवाहित होती है दोस्तों? दोहन नदी, ध्यान रखना है आप लोगों को। और बाकी इन सब नदियों के बारे में आपको पता ही है। सबसे ज़्यादा बार ये भी पूछा जाता है कि मारकंडा का प्राचीन नाम क्या है, तो ये अरुणा है। आप लोगों को पता घग्गर भी शिवालिक श्रेणी की निकलने वाली एक नदी है, जबकि टांगरी नदी भी मोरनी की पहाड़ियों से है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसको आप लोगों को याद रखना है, हरियाणा में 50 किलोमीटर तक प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है, तो दोहन नदी है। बिल्कुल डिटो क्वेश्चन के साथ इसको पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हरियाणा के पिंजौर बाग का वास्तुकार कौन था? जहांगीर, नवाब फिदाई खान, शाहजहां, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर? नवाब फिदाई खान, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा जो पिंजौर बाग का वास्तुकार था। और महाराजा यादविंदर सिंह की याद में यादविंदर गार्डन के नाम से भी इसे जाना जाता है, तो पेपर में इस तरीके से भी पूछा जाएगा, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, यादविंदर गार्डन या फिर पिंजौर गार्डन। तो किस वास्तुकार कौन था? नवाब फिदाई खान, ध्यान रखना है, नवाब फिदाई खान, बालक भाई था इसका औरंगजेब। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन पे, हरियाणा के रेवाड़ी रेलवे हेरिटेज म्यूजियम में विश्व की सबसे पुरानी परंतु कार्यरत भाप के इंजन है, उसे क्या नाम दिया गया है, उसे क्या कहते हैं? कई बार पेपर में पूछा गया, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमालयन क्वीन, फेरी क्वीन, आयरन लेडी, या शिमला कालका एक्सप्रेस? तो दोस्तों उसे फेरी क्वीन के नाम से जाना जाता है, रेवाड़ी रेलवे हेरिटेज म्यूजियम में है और विश्व के सबसे पुरानी लेकिन कार्यरत है भाप का इंजन क्या नाम दिया गया? फेरी क्वीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा के प्रसिद्ध जैन कवि है? तो पुष्पदंत, चौरंगीनाथ, नागार्जुन, या इनमें से कोई नहीं? तो पुष्पदंत जो है एक प्रसिद्ध जैन कवि है। ऊपर हम लोग 12 जैन मंदिर भी पढ़ के आए हैं, ध्यान रखेंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेपरों में बार बार पूछे जा रहे हैं। 12 जैन मंदिर जो कहाँ पे है दोस्तों? सोनीपत में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वर्तमान में हरियाणा के कितने जिलों में सोलर पार्क हैं? वर्तमान में हरियाणा के 18 जिलों में 20 सोलर पार्क हैं। वर्तमान में हरियाणा के कितने जिलों में है? 18 जिलों में है और 20 सोलर पार्क हैं। अलग अलग तरीकों से पूछा है, सोलर पार्क कितने हैं पूछा जाएगा तो 20 कहेंगे, जिलों की संख्या पूछी जाएगी तो 18 कहेंगे। दोनों तरीके से आपको इस क्वेश्चन को याद रखना है। अब दोस्तों दो जो फालतू हैं, यानी 18 जिलों में 18 हो गए हैं, इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे कि दो हिसार में हैं, हिसार में कितने हैं? दो हैं, और उसके अलावा करनाल में, दो कहाँ पे हैं? करनाल में हैं। बाकी जो बच गए हैं 16 जिले, उनमें एक एक हैं, और वो दो करनाल वाले मैं आप लोगों को बताऊं तो वो कहाँ कहाँ पे हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को ध्यान रखना है मिनी सचिवालय में है एक, और दूसरा जो है हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, एक नीलोखेड़ी में है, हिसार में है एक, आपका जीजेयू यूनिवर्सिटी में है पहला, और दूसरा जो है आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो कॉलेज है यहाँ पे है, यानी दो हिसार में है, दो करनाल में, बाकी 16 जिलों में एक एक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, शासक विग्रहराज चतुर्थ के तीन शिलालेख किस स्थान पे हैं? तो वो तीन शिलालेख कहाँ पे हैं? तो पल्लव स्तंभ, विजयनगरम, टोपरा स्तंभ, बिल्कुल यही आंसर है, टोपरा स्तंभ पे हैं विग्रहराज चतुर्थ के तीन शिलालेख। और इसी स्तंभ को, यानी टोपरा स्तंभ को ही जो है फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में स्थापित करवाया था, तो कुछ इंपॉर्टेंट सी बात इसकी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट, प्राचीन गुंबद स्मारक हरियाणा में कहाँ स्थित है? प्राचीन गुंबद स्मारक और एक थे पोलर, ये दोनों क्वेश्चन जो हैं आप लोगों को ध्यान रखने हैं, थे पोलर और प्राचीन गुंबद स्मारक। तो प्राचीन गुंबद स्मारक भिवानी, मेवात, पलवल और केथल, तो HSSC ने इसका सही आंसर कहाँ पे बताया दोस्तों? पलवल में। HSSC ने प्राचीन गुंबद स्मारक का आंसर बताया कहाँ पे? पलवल में बताया है। और ये क्वेश्चन ग्राम सचिव वाले पेपर में भी पूछा गया था, लेकिन आंसर की नहीं आई थी उसकी, क्योंकि पेपर लीक था। तो अब जो पेपर पूछे गए उनमें किससे बताया गया? पलवल में बताया गया प्राचीन गुंबद स्मारक। थे पोलर आप फटाफट से कमेंट करिए और बताइएगा कि इन्हीं चार ऑप्शन में से थे पोलर कहाँ है, थे पोलर तो बताइएगा कहाँ पे है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हरियाणा का यह गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह की याद में बनवाया गया था? पहला ऑप्शन है गुरुद्वारा राजघाट, दूसरा है गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब, तीसरा है टोपियाँ वाला, एंड देन है गुरुद्वारा पातशाही। तो क्या होगा दोस्तों? गुरुद्वारा राजघाट जो है ये गुरु गोविंद सिंह की याद में बनवाया गया था, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर होगा। और राजघाट गुरुद्वारा हरियाणा के किस जिले में है? तो दोस्तों ये कुरुक्षेत्र में है। किस जिले में है? ये कुरुक्षेत्र में है। कौन सा गुरुद्वारा? राजघाट। किसकी याद में? तो गुरु गोविंद सिंह की याद में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हरियाणा में कुल बंजर भूमि कुल भौगोलिक क्षेत्र का अनुमानित है 3.6%,
11%, 15% और 7%। तो HSSC ने इसका क्या आंसर बताया दोस्तों, 7% आंसर HSSC ने इसका बताया है। और दोस्तों हाल ही के न्यूज में भी आया था कि देश की 10.98% भौगोलिक क्षेत्र, 10.98% जमीन बंजर है, भारत की बात कर रहे हैं, और हरियाणा की यहाँ पे HSSC ने ही 7% बताया है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा का धनुर झील जलाशय को अक्सर क्या कहा जाता है, धनुर झील जलाशय को क्या कहा जाता है, चमला, ओटू, दीवानवाला, इनमें से कोई नहीं। तो ओटू जलाशय जो है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, धनुर झील जलाशय के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहादुरगढ़ तहसील हरियाणा के किस जिले में है, तो बहादुरगढ़ तहसील बताइए हरियाणा के किस जिले में, झज्जर में, कैथल, कुरुक्षेत्र या फरीदाबाद। तो झज्जर जिले में है बहादुरगढ़ तहसील, ऑप्शन है फिर हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा झज्जर जिले में है कौन सी, बहादुरगढ़ तहसील। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस प्रसिद्ध शिक्षाविद ने केरल गुजरात के राज्यपाल के रूप में काम किया है, ओम प्रकाश जिंदल, सुषमा स्वराज, स्वराज कौशल या स्वरूप सिंह। तो स्वरूप सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, कई बार अलग अलग पेपरों में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, स्वरूप सिंह प्रसिद्ध शिक्षाविद ने केरल और गुजरात के राज्यपाल के रूप में काम किया। आज के इस क्लास में लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे और देखते हैं कितने लोग उसका सही आंसर कर पाते हैं। आई होप ये क्वेश्चन शायद बहुत कम बच्चों ने सुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार ने यह योजना गतिविधि उन्मुख शिक्षा हेतु 2014 में शुरू की थी, 2014 में कौन सी योजना शुरू की थी, मुख्यमंत्री शिक्षा दीक्षा योजना, शिक्षा परियोजना अभियान, मुख्यमंत्री सर्व शिक्षा अभियान या इनमें से कोई नहीं। तो 2014 में मुख्यमंत्री शिक्षा दीक्षा योजना की शुरुआत चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गुड़गांव से की थी, ये आप लोग इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि मुख्यमंत्री शिक्षा दीक्षा योजना की शुरुआत 2014 में कहाँ से की गई थी, तो गुड़गांव या गुरुग्राम से इसकी शुरुआत की गई थी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सी झील एक वन्य जीव अभयारण्य है, कौन सी झील हरियाणा में एक वन्य जीव अभयारण्य, दमदमा, बड़खल, भिंडावास या फिर करनाल, बताइए क्या होगा सही आंसर। तो दोस्तों आप लोगों को पता है इसमें एक ही वन्य जीव अभयारण्य है भिंडावास, खापरवास और भिंडावास ये दोनों है कहाँ पे, तो ये किस जिले में है, झज्जर जिले में है, तो इसका ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। और अब आज का सबसे इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन उसका सही आंसर दे पाता है। बताइएगा दोस्तों कि मंगरबानी पहाड़ी जंगल, ध्यान से सुनिएगा, मंगरबानी पहाड़ी जंगल, मंगरबानी पहाड़ी जंगल ये हरियाणा के किस जिले में है, मंगरबानी पहाड़ी जंगल। अगर आप इसको थोड़ा सा भी सर्च करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक आपके सामने आएगा कि ये किस जिले में है। यहाँ पे अभी हाल ही में करंट अफेयर का क्वेश्चन है, गुफा चित्रों की खोज हुई है, गुफा चित्रों की खोज हुई है यहाँ पे, तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट भी है कि कहाँ पे हुई है, तो मंगरबानी पहाड़ी जंगल, आपको वो जिला बताना है कि किस जिले में है। फटाफट से सर्च करिए, अगर आपको नहीं पता और पता है तो फटाफट से कमेंट करिए और बताइए कि किस जिले में है। चलिए आज की क्लास में यहीं तक करते हैं, कल मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।